services, upskilling and knowledge sharing. And also we are arranging a boot camp for the technology of this drones. Thank you, Chudhir Samata. हमने सबसे ज्यादा फोकस इसी स्टॉल पे किया है, सब को हरा भरा रखा है। सर का भी ले लेते हैं साथ ही, इसी में सर का भी। थोड़ा सा जैसे टूरिज्म के अलग अलग मेला होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं या फिर एजुकेशन फेयर। आमी या दूसरे सिविल जॉब्स में से तो मैं सारे बच्चों को कहना चाहता हूँ कि मतलब जितना हो सके एनसीसी में आए, अपना जो हिम्मत है इसमें दिखाए और आगे जो हमारी जो नौकरी में वो बने। जी इसमें शोकास करने के लिए कुछ एनसीसी के जो यूनिफॉर्म वो रखे हैं तो थोड़ा ब्रीफली हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको बताएंगे क्या क्या आपने शोकास के लिए रखे हैं। हाँ सर, हम यहाँ पे कुछ सामान रखे हैं, एसेसरीज रखे हैं एनसीसी का। ये हमारा कॉम्बैट जैकेट है सर, एनसीसी का कॉम्बैट जैकेट। ये डीएमएस शू, ये ग्लव्स, ये हमारे ट्रैक सूट जो हम कैम में पहनते हैं सर, ये हमारा स्कॉफ है सर, ये जूनियर हैकल, ये सीनियर हैकल, ये एंकलैट है सर, ये कुछ सर्टिफिकेट सर, ये आरडीसी सर्टिफिकेट है सर, ये हमारा बेसिक कैम सर्टिफिकेट है सर, ये हमारा कम्बाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैम का सर्टिफिकेट है सर, और ये हमारा कुछ रैंक है सर एनसीसी में, जिस जो ये है सर सबसे सीनियर रैंक है सर, सीनियर अंडर ऑफिसर, ये एनसीसी में सबसे सीनियर रैंक होता है सर, और ये जूनियर अंडर ऑफिसर का रैंक है सर, सेकंड मोस्ट सीनियर रैंक होता है सर एनसीसी में, और ये हमारा कुछ आरडीसी अचीवमेंट है सर, जो एडीजी हमारा डायरेक्टर एडीजी ने हमें फैसिलिटेट किया सर, और ये हम एजी फर्स्ट एजी लद्दाख में हमने फैसिलिटेट किया सर। तो लास्ट में आप एक क्वेश्चन करना चाहेंगे, क्या कुछ अपने आप में बदलाव देखा है एनसीसी में ज्वाइन करने के बाद, खुद में क्या यूनिक है क्या? हाँ सर, हमने जब हमने एनसीसी में ज्वाइन किया सर, हम खुद में एक लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप सर बिल्ड किया सर हमने, और कॉन्फिडेंस का बहुत कमी था सर, अभी बहुत एनसीसी है। थैंक यू सर। चीज बहुत है।